हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम, आप सभी को हाईफाई टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ई कल्याण के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। मतलब कि आप मैट्रिक या इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास किए तो उसके लिए स्कॉलरशिप जो अप्लाई किया जाता है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप किस प्रकार करेंगे। साथ में हम नेक्स्ट वीडियो भी एक लाएंगे, उस पर बताएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म किस तरह फिल किया जाता है इसका, तो पूरी डिटेल में जानकारी हम देने वाले हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप इसके ई कल्याण का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। उसके बाद यहां से आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस बता दिया गया है कि इसका ऑनलाइन फॉर्म किस तरफ फिल किया जाता है, तो आप एक एक स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। आप वीडियो को गौर से देखिएगा और समझिएगा। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आता है या किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, जो कि आप इंटर या मैट्रिक जिस भी क्लास में है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, तो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद उसके बगल में होता है कैंडिडेट का नाम लिखने के लिए, तो जिस भी स्टूडेंट का आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म उसका नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है, तो जिस भी स्टूडेंट का यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करें उनका नाम डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक मेरिट का ऑप्शन है, इसमें ऑलरेडी नो सिलेक्टेड है, इसको हम ऐसा ही छोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स डालना है कि कितना मार्क्स आया है, तो आप मार्क्स डाल दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एज आधार या फिर 10th मार्कशीट है तो आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा जो आपके मार्क्सशीट पे होगा। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी के बाद आपको डिविजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ पे आधार से आप अपना नाम डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, फिर अपना आधार नंबर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिर अपने आधार के अनुसार उसके बगल में डालिएगा, तो यहाँ पे पहले आधार नंबर डाल दीजिए। तो यहाँ पे डेट डालना है आधार के अनुसार, जो आधार पे आपका होगा वही डालिएगा, तभी यहाँ पे वेरीफाई होगा आपका आधार, अन्यथा यहाँ पे वेरीफाई होने में आपको प्रॉब्लम कर सकता है, तो आप यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ से आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होगा, तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर पहले डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी भेज दिया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना होगा आपको। तो चलिए हम पहले मोबाइल नंबर डाल देते हैं, उसके बाद उस पर ओटीपी सेंड कर देंगे। तो यहाँ से हम सेंड कर देते हैं ओटीपी। देखिए मेरा मोबाइल नंबर पे ओटीपी चल गया, अब यहाँ पे ओके प्रेस कर देते हैं। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर को चेक करेंगे, मतलब अपने मोबाइल को हम चेक करेंगे कि वहाँ पे ओटीपी आया है या नहीं आया। कुछ देर यहाँ पे आपको वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे ओटीपी आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी, तो आप वेट कर लीजिए अगर नहीं आता है आपको। तो अगर आ गया है यहाँ पे तो आप अपना ओटीपी डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस से आगे करेंगे, यहाँ पे भी ईमेल आईडी डालना है और आपको वेट करना है अपने ईमेल आईडी पे ओटीपी आने का। अगर ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे आ जाता है तो फिर यहाँ पे डाल करके आपको वेरिफिकेशन कम्प्लीट कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं, और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी सेंड कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी हम अपना इंटर करते हैं। और अब सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे सेंड ओटीपी कर देते हैं। अब यहाँ ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि मेरा ईमेल आईडी पर ओटीपी चला गया और हम पहले मोबाइल नंबर वाले को वेरीफाई कर चुके हैं उस पर क्लिक करके। तो अब ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ पे चेक करेंगे अपने ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी पर चेक करने के बाद यहाँ पे ओटीपी इंटर करके वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मेरा मोबाइल नंबर का तो ओटीपी वेरीफिकेशन हो चुका है, अब ईमेल आईडी पे वेरीफिकेशन बाकी है, तो इसका भी
कर लेते हैं। अब यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे और ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो चलिए ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई ओटीपी क्लिक कर दी। यहाँ पे देखिए कि मेरा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ से आईएफएससी कोड डालेंगे। जिस भी बैंक का आपका अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ से नीचे आपको आईएफएससी कोड डालना होगा। तो यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड अपना इंटर कीजिएगा, सही से, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे जो कि आपको 14 से 16 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद बगल में भी आपको अकाउंट नंबर ही डालना है, तो दोनों ही सेम ही अकाउंट नंबर डालिएगा, क्योंकि दोनों मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो अकाउंट नंबर आप पहले बॉक्स में डाले हैं वही आप सेकेंड वाले बॉक्स में डालिएगा और एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कैप्चा डाल करके सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा या फिर रिव्यू बटन, जो भी आपका यहाँ पे हरा टाइप का नजर आ रहा है। एक बार यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे मैच कर लेना कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। अगर कहीं पे मिस्टेक होगा तो आपको बैक आ करके इसको सुधार करना होगा और सुधार करने के बाद ही आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके यूजर आईडी और सॉरी आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे मैसेज चला जाएगा। उस मैसेज में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, आपको उसको सेव करके रख लेना है। तो यहाँ पे ओके प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा एरर बताएगा कि आपका है जो कि लिस्ट में नाम नहीं है, जिसके कारण आप आवेदन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो आपको सक्सेसफुल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा और आपको लिखेगा कि 24 से 48 घंटा वेट करना होगा, उसके बाद आपको यूजर आईडी मिल जाएगा। पर आपको 24 से 48 घंटे में ना मिल करके आपको 1 महीने या फिर 1 वीक तक वेट करना पड़ सकता है। तो ये आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको पूरी प्रोसेस बताने की कोशिश की है मैंने। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत हो या किसी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।